सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं वह रात कैसे भूल सकती हूँ जब शाम के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पापा के चेहरे पर बहुत डर होता। उस डर को देखते हुए मैं समझ गई थी कि आज जरूर घर में कुछ बड़ा होने वाला है। पापा बार बार दरवाजे की कुंडी लगाते और कभी अपने आप को देखते। ऐसा लगता था जैसे पापा अपनी ताकत को आजमा रहे हों, जैसे पापा जानते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने देखा हमारे घर के दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट हुई। मम्मी से बोले उसे अंदर लेकर जाओ, रजाई वाली पेटी में छुपा दो। ये कहकर पापा ने मुझे मम्मी के तरफ उछाल दिया। मम्मी ने मुझे रजाई वाली पेटी में ले जाकर बंद कर दिया। यहाँ से हिलना मत और सांस लेने की भी आवाज़ बाहर तक ना आए, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि माँ ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि फिर जब थोड़ी ही देर के बाद जूतों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं समझ गई वाकई मेरी और पापा की जान को खतरा है। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई थी और फिर एक दर्दनाक चीख जो मेरी मम्मी की थी। उन लोगों ने हमारे घर के कीमती बर्तन भी तोड़ दिए थे, हमारे घर की तलाशी ले रहे थे। मम्मी ने मुझे चनाकी से ऐसी जगह छुपाया जहां वो लोग नहीं पहुंच सकते थे। भूखे कुत्तों की तरह पापा से पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी नीलम कहाँ है। पापा ने तो मुझे छुपा दिया था। पापा ने कहा मैं नहीं जानता नीलम कहाँ है, वह तो तुम लोगों के डर से भाग गई है। वह आदमी पापा पर दहाड़े मारते हुए बोला, बेवकूफ मत बनाओ, 13 साल की छोकरी कहाँ जा सकती है, तुमने ही उसे कहीं छुपाया होगा। मेरा दिल चाहा कि मैं चुपके से निकल आऊं, अपने पापा को बचा लूं, पर मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। जानती थी कि उसका अंजाम क्या होगा। मैं अच्छी तरह सोच सकती थी, मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था, मगर पापा कुछ कर नहीं पाए थे और फिर ये लोग वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ पल के बाद पापा सुकून होकर बैठ गए। मम्मी से कहने लगे, बस वे लोग आने ही वाले होंगे, तुम फिक्र मत करो, उसके बाद हमें अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। वे डेरा खुद को समझता क्या है, मैंने उसकी जड़ें ना काट दी तो कहना। मम्मी ये बातें सुनकर और ज़्यादा रो रही थी। मम्मी को पता था कि जो भी हो रहा है वह बहुत गलत है, लेकिन मैं बिल्कुल चुप थी। फिर मम्मी ने मुझे उस रजाई वाले बक्से से निकाला और बोली, बेटी तुमने घबराना नहीं, हम जो कर रहे हैं तेरी सुरक्षा और खुशी भले के लिए कर रहे हैं। ये कहकर मम्मी ने मुझे एक खूबसूरत सा जोड़ा पहनाया और मेरा मुंह धुलवा कर तैयार करने लगी। मुझे समझ नहीं आई थी मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि ये रात का वक्त था और रात को मम्मी मुझे अपने पास सोने का कहती थी, पर आज उस वक्त मुझे तैयार कर रही थी जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है। मैं तैयार हो गई थी, मम्मी ने मुझे दुल्हन बनाया। फिर करीब करीब 2 ही मिनट बीते थे कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। पापा ने बड़ी ध्यान पूर्वक बाहर गए और दरवाज़ा खोला। दरवाजे के आगे 4 आदमी खड़े थे। पापा ने उन्हें देखकर अंदर आने को कहा। उन्होंने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं चारपाई पर सिमट कर बैठ गई। मम्मी बोली, अब तुम इस पर लेट जाओ और जब तक नहीं उठना, जब तक ये लोग तुम्हें कह ना दें। मम्मी तुम मुझे कहाँ भेज रही हो, क्या कर रही हो, मैंने मम्मी से डर की निगाहों से पूछा था। मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बोली, सवाल नहीं करना मेरी बेटी, तुम जहाँ जा रही हो तेरे भले के लिए ही भेज रही हूँ। मम्मी ने मुझे चुप करवा दिया, फिर मुझे उस चारपाई पर लेटने को कहा। वह 4 आदमी जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था। मम्मी बोली, उनसे सवाल नहीं करना बेटी, तुम जहाँ जा रही हो तेरे भले के लिए ही भेज रही हूँ। मम्मी ने मुझे चुप करवा दिया, फिर मुझे उस चारपाई पर लेटने को कहा था। चारपाई उठा लिया, मैं भी चीखना चाहती थी पर मुझे चीखने नहीं दिया। वक्त से पहले मुझे अकल आ गई थी। मैं जानती थी कि यहाँ चीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैं यहीं हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी जाएगी। असल डेरा साही ने मुझे करीब करीब 1 महीना पहले खेतों में खेलते हुए देखा था। उसकी गंदी निगाहें सर से पांव तक मुझे निहार रहा था। मैं अपनी कद काठी में बहुत खूबसूरत थी, काफ़ी अच्छी थी। मेरी 13 साल की उम्र थी, 19 साल की लगती थी। मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे पता होता कि इस गांव में इतने हीरे होते हैं तो उसे अपनी सल्तनत बना लेता या तुझे अपनी लौंडी में शामिल कर लेता। उसकी बात पर मैं हैरान हो गई थी। लौंडी और कनीज की बातें कहाँ कहानियों में ही पड़ चुकी थी। आदमी क्या कह रहा था मैं ये नहीं जानती थी।
ये बात आकर मैंने मम्मी को बता दी, वह भी परेशान हो गई। फिर उसका नतीजा करीब करीब एक हफ्ते बाद आया। एक शाम जब मम्मी और पापा हम सब आराम से अपने घर में बैठे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। वे लोग हमारे घर आए थे, हमने उनका स्वागत किया और मेरे पापा ने उनको बड़े लोग सोचकर उनका अच्छे से स्वागत किया। सामने चाय पानी रखा, उसकी नज़रें कुछ और ही कह रही थी। वह पापा से कहने लगा, कमल मुझे अपनी बेटी दे दो, बदले में कितनी ज़मीनें चाहिए मुझसे ले लो। पापा डेरे की बात सुनकर दंग रह गए थे। डेरा साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए? पहले तो पापा ने सोचा कि शायद अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा होगा, पर उसके बेटे की उम्र 30 साल थी। लेकिन पापा उस टाइम दंग रह गए थे, वह डेरे ने अपना रिश्ता मेरे लिए मांगा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी, पापा तो जैसे ज़मीन पर बिल्कुल गिर ही गए थे। डेरा साहब, आप कैसी बातें करते हो, आपके पास में बेटियां हैं? मेरी बेटी फूल सी है, उसकी तो उम्र अभी 13 साल है। इस बात पर डेरा साहब गुस्से से बोला, तो कोई बात नहीं, बड़ी भी तो हो जाएगी, उसके जवान होने में अभी 5 साल ही तो बाकी है, मैं उसे फूल की तरह रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। डेरा साहब की बात सुनकर पापा गुस्से में आ गए। एक गरीब आदमी का इज्जत खरीदना इतना आसान नहीं होता। पापा ने फिर भी उसके सामने नरमी दिखाई, बोले, मैं अपनी बेटी तुमको नहीं देना चाहता, तुझे शर्म नहीं आती बेचारे गरीब लोगों की बेटियों पर गलत नज़र रखते हुए? तुमने 3 शादियां की है पर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? मेरी मासूम सी बच्ची में तुमने क्या देख लिया, तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो, भगवान के लिए मेरे घर से चले जाओ। ये सुनकर डेरा साहब भी गुस्से में आ गया, बोला, तुमने जमींदार डेरा से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम याद रखोगे। उससे पहले तुम्हारी बेटी को इज्जत से मांग रहा था, अब मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर जाऊंगा। ये सुनकर पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मेरे पापा अब डर ही गए थे, मगर उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के सामने उस आदमी को तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि पापा को ये सब अच्छा नहीं लगा। पापा डर गए थे और माँ को भी चौकन्ना रहने को कह रहे थे। उसके बाद से हमेशा डेरा साहब की धमकियों का डर लगा रहता था। मेरे पापा के दिमाग में बार बार यही बात आती रहती थी कि डेरा साहब ने कैसे कहा था कि अपनी बेटी मुझको दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे पापा गहरी सोचों में गुम रहते थे, 2 दिन गांव से बाहर जाते और न जाने किस किस से मिलते जुलते थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। रात को पापा जब भी घर आते तो मम्मी को तसल्ली देते थे और कहते थे कि डेरा की मोहलत खत्म होने वाली है, पहले ही मैं कुछ ऐसा करूंगा, हमारी बेटी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। पर मैं नहीं जानती थी कि पापा मेरे लिए क्या करने वाले हैं। मैं तो सब कुछ कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के जाने का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक रात ये वाक्या हो गया और फिर वह मुझे नाकाब पोश चारपाई पर बिठा कर मेरे घर ले गए। मैं चुप थी, जानती थी पापा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोचते। माँ बाप हमेशा औलाद की भलाई के लिए ही सोचते हैं, वे कभी भी ऐसा नहीं करते अपने फ़ायदे के खातिर अपनी औलाद को नुकसान पहुँचा दें। बस मुझे इसी बात की तसल्ली थी, ये आदमी मुझे उल्टे सीधे रास्तों से घुमाते ना जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा नाजुक नाजुक सा बदन चारपाई पर झटके खा रहा था, क्योंकि पथरीले रास्तों से गुजरते हुए चारपाई को भी झटके लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर पापा ने मुझे उन लोगों के साथ क्यों भेजा है और कहाँ भेजा है। तभी ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कहने लगी कि हम बहुत थक गए हैं, ऐसा करते हैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। उनमें से एक आदमी चिल्लाकर बाकियों तीनों आदमी से बोला, तुम होश में तो हो, हमने बड़े साहब की अमानत उठा रखी है, कैसे हम यहाँ बैठ सकते हैं, उसे कुछ हो गया तो? अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम परेशान होना बंद करो, आदमी ने चारपाई को नीचे ज़मीन पर रखते हुए कहा था। मैं नहीं समझी थी कि ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बत से बातें क्यों कर रहे थे। क्या वाकई पापा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा? ये सोच सोच कर मेरा दिल बार बार शर्मिंदा कर रहे थे। उन लोगों ने दरिया के किनारे चारपाई रखी, मैं उस पर बैठी थी। अब मुझे ये लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे उनके साथ भेजा था, कोई तो उसमें ताकत होगी। उन आदमियों में से 2 नकाबपोश मेरे साथ रुके और बाकी दरिया पर चले गए, शायद वे लोग हाथ मुँह धोने गए थे। फिर मैंने देखा तो वे लोग दरिया के किनारे मौजूद रेत पर बैठ कर
वो भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये पूजा पाठ करने वाले लोग बुरे नहीं हो सकते, पर मैं भी क्या जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है और कितना दर्द लिखा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग फ्री होकर आए, कहने लगे, अगर तुम यहाँ पर परेशान नहीं हो रही हो तो हम भी जंगल से कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं, तुम खाओगी। मैंने नहीं, मैं सर हिला दिया। वह लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी मैं किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैंने ना में सर हिला दिया। वह दूसरे आदमी ने पहले आदमी को इशारा किया और बोला, देखा ये कितने शरीफ खानदान की बेटी है, यूं ही इतनी तारीफें नहीं होती, ये लोग बहुत खुददार हैं। मैंने उनकी बातें नहीं समझी थी। करीब 10 मिनट के बाद वह चारपाई दोबारा चल पड़ी थी। मैं पहले की तरह आराम से लेट गई। वह लोग दरिया पुल पार करने लगे तो चारपाई को मैंने भींच कर पकड़ रखा था। लगता था जैसे मैं अभी यहाँ से नीचे गिर जाऊँगी। दरिया पार करके जैसे ही वे लोग दूसरे किनारे पर आ गए, मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा गांव बहुत दूर रह गया था। चांदनी के तेज रोशनी में गांव सारा नज़र आ रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। अंधेरी रात में मुझे डर भी लग रहा था। मेरे माँ बाप मुझे बहुत याद आ रहे थे। दरिया पहाड़ी रास्तों से चारपाई गुजरती हुई जिस जगह पहुँची थी वह बहुत ही अलग और सुकून था। बड़ी सी हवेली पर मेरी नज़र पड़ी जहाँ पर रोशनी से जगमगाती हुई हर चीज़ थी। हवेली की शानदार दरवाजे पर मुझे उतारा गया। चारपाई से मैं उतरी ही थी कि आपस से शोर सा बरपा हुआ। छोटे छोटे लड़कियाँ खुशी से मेरी तरफ बढ़ी। ये करीब करीब 3-4 लड़कियाँ होंगी। उनके पीछे एक बड़ी उम्र की एक औरत थी। वह भी करीब आ गई। वह उसकी उम्र 50 साल की लगती थी। उसने मुझे देखा तो बोली, आ गई हो मेरी बेटी, बधाई हो, तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज़्यादा शुभ साबित होंगे। तुम्हारे पापा को जानती हूँ, बड़े ही अच्छे हैं। उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़कर अंदर कमरे में ले गई। मैंने देखा कि उस कमरे में 2 बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे की एक तरफ मुझे बिठा दिया गया जबकि दूसरी तरफ जाने कौन था मैं नहीं जानती थी। औरत कहने लगी, बेटी अब तुम्हारी शादी होने जा रही है एक बहुत ही अच्छे इंसान से, जो तुम्हें कहा जाए उस पर बस सर हिला देना। मैं तो मासूम सी थी। मम्मी पापा की परवरिश भी ऐसी थी कि मैंने कभी किसी बात पर बड़ों को ना नहीं कही थी। और फिर जिन लोगों के साथ पापा ने मुझे भेजा था, यकीनन वे बुरे तो नहीं हो सकते थे, मुझे तो लगता था। पर फिर भी मैंने वहाँ कह दी, मैंने हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे। 13 साल की उम्र में मेरी शादी की जा रही थी, लेकिन मुझे अजीब भी लगने लगा था। मैं डर भी रही थी कि फिर मुझे मंडप पर बिठा दिया गया। 6 लाख के जेवर मुझे पहना दिया गया और मेरी शादी करवा दी गई। मेरे फेरे डलवाए गए। ये नहीं जानती थी कि वह कौन है, मुझसे क्या चाहता है और क्यों ये झोपड़ी में रहने वाली लड़की उस शानदार हवेली में मेरी शादी हुई। फिर वही औरत मुझे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। यहाँ एक शानदार रेशम का बिस्तर बिछा हुआ था। बोली कि तुम इस पर सो जाओ, सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर कोई तमाशा होगा तो देखा जाएगा। उस कमरे में जाकर अभी बैठी ही थी कि शोर शराबा हवेली के दरवाजे पर होने लगा। फिर धमाकेदार आवाज़ आने लगी जैसे वे लोगों की लड़ाई हो रही हो। और दरवाज़ा बंद करके दोबारा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये बाहर मर्दों का काम है, वे देख लेंगे। हम औरतों पर आज तक कोई आँच नहीं आने दी उन मर्दों ने, इसलिए तुम और हम उनकी बात मानते हैं। औरत मुझे समझा रही थी। मैं खुद को अभी तक असुरक्षित महसूस कर रही थी, पर अब तुम एक बड़े इंसान से शादी कर चुकी हो जो कि इस हवेली का मालिक है। बेटी ये कहकर उस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा, अब तुम सो जाओ, तुम्हारे साथ ही मैं लेट जाती हूँ, तुमको कुछ चाहिए तो बता देना। मैंने कहा ठीक है, मैं सो गई। सुबह उठी तो वह औरत वहाँ पर मेरे साथ ही बैठी हुई थी। कहने लगी, चलो तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं, वह तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई कि पापा मुझसे इतनी दूर से मिलने आए और मैं उन्हें कब से याद कर रही थी। मैं बाहर आ गई। पापा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे, उनका सर झुका हुआ था, वह बहुत तसल्ली में थे। मुझे देखते ही बोले, आ गई मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया, पर इतना तो मालूम है
मुझे अपनी बेटी पर कि मेरी बची मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया है बेटी, जो मैं कहता हूँ वैसा ही तुमने उन लोगों के सामने बदतमीजी नहीं करनी है। मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल आसान कर दी बेटा, मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी परवरिश का इतना मान रखोगी। मैं पापा के पास बैठी थी, पापा मुझे प्यार किए जा रहे थे, कभी मेरे सर सहलाते थे तो कभी खुश होकर मुझे गले लगाते। मैंने कहा, पापा कौन हैं जिनके साथ मेरी शादी हुई है? पापा बोले, तुम जैसी अच्छी लड़की बस उन्हीं को मिलनी चाहिए थी। पापा को तो ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी कैसे हुई। पापा बोले कि बस बेटा, तुम्हारी शादी किससे हुई है? उसका नाम भानु प्रताप है, वह वाकई एक अच्छा इंसान है, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, उस हवेली का मालिक है। पापा कहने लगे कि अभी मुझे वापस जाना होगा। डेरा जो तुम्हारी मांग कर रहा था उस टाइम बहुत गुस्से में है, उसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाशी ली है। तुम्हारी माँ को भी बहुत बातें सुना रहा था, कह रहा था कि तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें धरती से खोज निकालूंगा, पर ऐसा नहीं है, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। भानु प्रताप से बड़ा नहीं हो सकता, उनको चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। भानु प्रताप के लिए तुम जिंदगी और मौत जैसी समस्या हो, उसकी इज्जत बन चुकी हो बेटा। पापा, भानु प्रताप कौन है? मैंने मासूमियत से पूछा था। तुम फिक्र मत करो, जब तुम अपने पति को देखोगी तो तुम्हें मेरा फैसला बुरा नहीं लगेगा। अब इतना बड़े हवेली की मालिक हो, कोई बूढ़ा ही आदमी होगा। मैंने दिल में सोचा, मेरा दिल बुझ गया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जानती हूँ पापा, तुमने भी शायद मुझे अपने फायदे के लिए भेज दिया है। मैंने दिल में तो यही कहा, पर मैं बाहर से चुप रही कि किस तरह का खुद को जानने नहीं दिया। पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा हवेली से चले गए थे। वह औरत दोबारा मेरे पास आई और बोली, तुम जाकर नहा धो लो और तैयार हो जाओ, तुम्हें अपनी शादी का जोड़ा फिर से पहनना है। औरत की बात सुनकर मैं जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। उसने मुझे सुर्ख रंग का जोड़ा पहना दिया और बोली, आज तुम्हारा पति तुमसे मिलने आएगा तो तुम तैयार रहना। मैं भी खुश हो गई, जिससे मेरी शादी हुई थी उसको मैं देख लूँ। मैंने अपने आप को सरला सिंगार से सजाया था, पर मैं थी तो बच्ची ही, मुझ में वक्त से पहले अकल आ चुकी थी। मैं तैयार भी, तभी पर्दा खुला, मेरा पति अब मेरे सामने आया तो मैंने बिल्कुल हैरान रह गई। वह तो मेरे जैसा ही नौजवान था, उसकी उम्र करीब करीब 20 साल होगी, लेकिन वह बिल्कुल जवान साबित होता था। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने बताया, मैं हूँ भानु प्रताप, और हंस पड़ा। हाँ, और मेरी पत्नी तुम पर मुझे फ़ख्र है, तुम बहुत ही ज़्यादा ख़ानदानी लड़की हो, मेरी नस्ल को तुम ही चला सकती हो। उस जवान की अक्ल वाली बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर उसने जो बातें कहीं वह तो सुनते ही रह गई थी। बोला कि तुम मत समझो कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, आजकल के ज़माने के लोग जिन्होंने 20-30 साल तक अपनी ज़िंदगी ही नहीं शुरू की होती, तुमने नहीं देखा? पुराने ज़माने में लोग 10 साल की उम्र में ही अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ा लेते थे और फिर अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कारनामे करते थे। मेरे पति ने मुझे ऐसी बातें बताई कि मैं उस बात पर फिसल गई कि मेरी शादी कम उम्र में हुई तो अच्छा है, मुझे ज़िंदगी देखने का मौका मिला और मैं अपने पति के साथ बड़ी होंगी, उस आदमी के साथ जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, मैं उसी के साथ रहूँगी तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी, हमें एक दूसरे की आदत हो जाएगी, हमारा रिश्ता बहन भाई और माँ बाप से ज़्यादा मजबूत होगा। फिर उसने जो बात मुझसे बताई, मुझे थोड़ी परेशानी हुई पर मैं बिल्कुल चुप रही। बोला कि मेरे पहले भी एक बीवी थी पर वह मर चुकी है, मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी, मेरी बीवी बीमारी की वजह से दुनिया से चली गई और फिर मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी अच्छे खानदान में करवा दूँगा, एक शरीफ औरत होगी जो तुम्हें बच्चों को परवरिश करेगी। मैं अपने पति की बातें सुनकर हैरान हो गई। फिर मुझे पता चला कि पापा एक अच्छे ख़ानदान में थे, पापा के ख़ानदान की पहली भी बहुत कदर थी, पर पापा अपनी मर्जी से शादी करके अपने ख़ानदान से बिल्कुल अलग हो गए थे और इनके ख़ानदान वाले उनसे नाराज़ हो गए थे। मेरी माँ भी ऊँचे ख़ानदान से थी, मेरी माँ की समस्या सिर्फ दुश्मनी का था, जिसकी वजह से मेरी माँ को उन लोगों से नाराज़ होकर अपने घर से अलग कर दिया था। पर अब ये लोग कैसे बर्दाश्त करते कि उनका खून डेरा परिवार के हाथों खिलौना बनता। तभी भानु प्रताप ने बुरे वक्त में हमारी शादी का ऐलान करके
मुझे तबाही से बचा लिया। आज 28 साल के उम्र में मुझे लगता है मैंने जिस वक्त से पहले ही अपनी ज़िंदगी जी ली है। मुझे अपने और अपने पापा के फैसले पर कोई मसला नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। कैसी लगी दोस्तों मेरी इमोशनल कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।